हेलो एवरीवन, आई एम हीना शर्मा, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग. मैं आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल पर स्वागत करती हूँ. अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट आपके लिए लेकर आया है बैंकिंग का एक न्यू बैच, जिसमें आपको मिलेगी सभी एक्सपीरियंस फैकल्टी जिनके नाम है लोकेश सर, निमिषा मैम, अभिजीत सर, आकांक्षा मैम, साकेत सर, माई सेल्फ हीना शर्मा एंड नरेंद्रा सर. अबाउट मी, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ. स्टूडेंट्स, मैंने अपनी एमसी पास आउट की है जे यूनिवर्सिटी हिसार से एंड आई एम सिलेक्टेड इन आईबीपीएस आरआरबी 2014. आई हैव मोर देन 5 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ रीजनिंग फैकल्टी. चलिए, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले मैं बताती हूँ. आप लोगों को अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड करना होगा. नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा सिलेक्ट योर गोल. आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा अपना गोल. ठीक है, हमने गोल सिलेक्ट किया बैंक एग्जाम, क्योंकि अभी हमारा बैंकिंग का बैच है ये. अब आप लोगों को यहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, कंसेप्ट बेस्ड क्विजेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, डिटेल टेस्ट सीरीज. फील लाइक यू आर इन द क्लासरूम. आप ऐसा फील करेंगे जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं. चैट विद द एजुकेटर, आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चंस के आंसर हो, आपको डाउट हो, डाउट आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं. फैकल्टीज आपको आंसर देंगी उसी टाइम. इंटरेक्टिव पोल्स, लर्न एनी टाइम एनी वेयर. चलो, ये तो हम हो गए हमारे बेनिफिट्स कि ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करने के बेनिफिट हमें क्या क्या मिलेंगे. अब बात आती है कि कोर्स की फी क्या है. देखो, जो इसकी फी है 12 मंथ की फी है हमारे पास. 1 मंथ की फी देखते हैं पहले. 1 मंथ की फी है हमारी 1200, 3 मंथ की 3000, 6 मंथ की 4800, 12 मंथ की 6000 और 24 मंथ की 9600. इतना क्लियर. अब आपको यहाँ पे एक कोड शो हो रहा है HS Live. ये मेरा रेफरेंस कोड है, ये हमेशा याद रखना. H फॉर हीना, S फॉर शर्मा, LIVE Live. स्टूडेंट्स, HS Live कोड को अप्लाई करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा फी में 10% का डिस्काउंट. ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमने टिक किया 12 मंथ पर, 12 मंथ का हम बैच लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे अप्लाई किया मेरा रेफरल कोड HS Live. अब आपको यहाँ पे देखो 12 मंथ की फी कितनी दिख रही है, 6000. लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू किया, उससे पहले यहाँ पे रेफरल कोड डालना मत भूलना, तो हमारी फी कितनी हो गई, 5400. लेकिन ये कब हुई, मेरा रेफरेंस कोड डालने के बाद. ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमने सिलेक्ट किया 24 मंथ की फी है 9600. यहाँ पे अप्लाई किया HS Live, मेरा रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद कंटिन्यू पे टिक किया, हमारी फी कितनी हो गई, 8640 रुपीज ओनली. लेकिन ये कब हुआ, मेरा रेफरेंस कोड डालने के बाद, जिसको यूज करना मत भूलना. ठीक है, अब लास्ट क्लास में हमने ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे. ठीक है, आज हम जो नया टॉपिक कर रहे हैं वो है सिलोजिज्म, जिसे हम सिलॉक्स भी बोलते हैं. अब देखो स्टूडेंट्स, सिलॉक्स जो टॉपिक है उसकी जो वेटेज रहती है एग्जाम में 3 to 5 marks अप्रोक्सीमेट. अब स्टूडेंट्स को सिलॉक्स में प्रॉब्लम कहाँ होती है, आइदर केस, नाइदर केस, पॉसिबिलिटी. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो होती है पॉसिबिलिटी के केस में, संभावना, जहां वर्ड्स होंगे कैन बी, मे बी. तो आज की क्लास में सिलॉक्स में आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी. लास्ट क्लास को आपको जो मैंने पढ़ाया था ब्लड रिलेशन, वो आप सबको समझ आया होगा. लास्ट क्लास को लाइक करने के लिए, देखने के लिए थैंक यू. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म. अब जो सिलोजिज्म हमारा टॉपिक रहेगा, ये अभी हमारा टारगेट क्या है, IBPS क्लर्क प्री. स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक इट. हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है कि हमारे सभी फैकल्टी के साथ, अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट की सभी एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ. ठीक है, सभी फैकल्टी आपको हेल्प करेंगी अपने अपने सब्जेक्ट में. तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी फैकल्टी की, जाकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. वीडियोस पे जाना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फैकल्टीज को फॉलो भी कर सकते हो, उनके नाम सर्च कर लेना. तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सिलोजिज्म. देखो, सिलोजिज्म जो टॉपिक है, इसको करने के बहुत सारे मेथड है. ठीक है, वेन डायग्राम कर सकते हो, 50-100 कर सकते हो, और एक मेथड है हमारा AEIOU.
ये मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो आपका मेथड माना जाता है वो है वेन डायग्राम। इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का कोई सिंगल क्वेश्चन भी गलत होगा। तो आज की क्लास को अच्छे से पढ़ना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ तो क्वेश्चंस तो अपने आप सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले हमारे पास, हमें ये देखना है कि जब भी हमारे पास एग्जाम में आई स्टेटमेंट, तो हम स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम वेन डायग्राम कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारी जो होती है वो होती है टू टाइप की, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। अभी हम जो बोर्ड सामने देख रहे हैं स्लाइड पे, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। हमारे पास है ओल ए आर बी। देखो, कभी भी अगर ओल का केस आ जाए तो हमें डायग्राम यही बनाना होगा, ठीक है। वैसे तो इसके पॉसिबल डायग्राम भी बन सकते हैं। इस डायग्राम को हमेशा माइंड में रखना होगा, ए इक्वल बी। याद रखना, ये डायग्राम हमें कभी बनाना नहीं है, ये सिर्फ माइंड में रखना है, क्योंकि ये पॉसिबल डायग्राम है। ये जो मैंने ए इक्वल बी बनाया है, ये ऑल ए आर बी का पॉसिबल डायग्राम है। हमें ये कभी भी एग्जाम में नहीं बनाना, हमें सिर्फ माइंड में रखना है डायग्राम ये वाला, और एग्जाम में जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे ये ऑल ए आर बी, कि सारा का सारा ए ग्रुप में जो लोग है, सारे ए ग्रुप के लोग है, वो बी ग्रुप के दोस्त है, हम ये भी बोल सकते हैं। सेकेंड देखो, सम ए आर बी। सम ए आर बी में हम यही डायग्राम बनाएंगे कि ए का कुछ पार्ट बी है, कुछ में देखो ये कॉमन पार्ट की बात कर रहे हैं, ए का कुछ पार्ट बी है, या ये मैं ये भी बोल सकती हूँ ए ग्रुप के कुछ लोग बी ग्रुप के दोस्त है, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ए ग्रुप के कुछ लोग बी ग्रुप के दोस्त है, तो इस कॉमन पार्ट की बात की गई है। अब देखो, इसके पॉसिबल डायग्राम बहुत सारे बनेंगे, लेकिन पॉसिबल डायग्राम अगर आप लोग एग्जाम में बनाने बैठ गए तो आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो टाइम ही तो सेव करना है हमें। फिर देखो, नो ए इज बी, कह रहे हैं कि ए ग्रुप का कोई भी लड़का या लड़की बी ग्रुप का दोस्त नहीं है। नो ए इज बी, इसका डायग्राम हमेशा यही बनेगा। फिर है सम ए आर नॉट बी, ये पूरा का पूरा ए है, ए का कुछ पार्ट, कुछ पार्ट में आप लोगों की मर्जी है, डॉट छोटी लो बड़ी लो, ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा आप लोग कैसे कर रहे हो। ए ग्रुप के कुछ लोग बी ग्रुप के दोस्त नहीं है, इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो, हम बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के एग्जाम में क्या होगा, एक स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट में तीन हो सकती है, स्टेटमेंट चार हो सकती है, दो कंक्लूजन दिए होंगे, आपको ये बताना होगा कौन सा कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा। अब जो आइदर नाइदर केस है, देखो ऑप्शन नंबर थर्ड आइदर, ऑप्शन नंबर फोर नाइदर, ये मैं आपको आज की क्लास में नहीं समझाऊंगी, ये हम करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पॉसिबिलिटी समझा दूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम कैसे बनाना है। आप लोगों को डायग्राम स्टेटमेंट का एक ही बनाना है। फर्स्ट कह रहे हैं ऑल कोट्स, देखो अगर पूरा लिखोगे कोट्स तो टाइम वेस्ट करेगा। अब क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट लिख लो, ऑल सी आर टी, ठीक है, ऑल सी आर टी। टी में देखो दोबारा से दो बार टी है, तो इसलिए टेबल के लिए टी ए लिख लो, ऑल टेबल आर ट्रेन्स, ऑल टेबल्स आर ट्रेन्स, ये हो गया ट्रेन्स। ऑल ट्रेन आर बसेस, ऑल ट्रेन आर बसेस, ये हो गया बसेस, ठीक है, बस लिख लिया। फर्स्ट हमसे कह रहे हैं कि ऑल टेबल आर बसेस। अब देखो ऑल टेबल आर बसेस, सबसे पहले देखो टेबल का है, ये रहा टेबल, ऑल टेबल आर बसेस अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। अब देखो बेसिक बता देती हूँ, कभी भी अगर हम इनर टू आउटर आएंगे तो हमारा ऑल भी ठीक होगा और सम भी ठीक होगा। देखो इनर टू आउटर आएंगे तो ऑल और सम दोनों सही होगा, लेकिन जैसे हमारा फर्स्ट था ऑल टेबल आर बसेस, ऑल टेबल आर बसेस बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट राइट। सेकंड कह रहे हैं ऑल ट्रेन आर टेबल। अब देखो ट्रेन तो हमारा कहाँ है, ये रहा, ऑल ट्रेन आर टेबल, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, आउटर टू इनर, कभी भी अगर आउटर टू इनर हम जाएंगे तो हमारा सम सही होगा, ऑल हमारा कांट से होगा। कैसे कांट से होगा, देखो हमें ये पता है कि ट्रेन का इतना पार्ट टेबल है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट टेबल है, तो क्या हम इस बचे हुए पार्ट के बारे में कुछ कह सकते हैं, है या नहीं है। सिलोक्स में एक चीज याद रखना, हम कभी भी अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते किसी भी बचे हुए पार्ट के बारे में। तो अब देखो ऑल ट्रेन्स आर टेबल हमारा क्या हो गया, रॉन्ग, ये फर्स्ट वाला हमारा क्या था, राइट, ये मैंने गलती से रॉन्ग लिख दिया था,
फर्स्ट वाला राइट है, क्यों राइट है? ऑल टेबल आर बसेस इनर टू आउटर आ रहे हैं, लेकिन सेकंड वाले में ऑल ट्रेन आर बसेस आउटर टू इनर जा रहे हैं. तो फर्स्ट राइट हो गया हमारा, सेकंड रॉन्ग हो गया. क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट. जिस जिस बच्चे का आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरी गुड. और जो बच्चे आज की क्लास में बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट टाइम सिलॉग्स देख रहे हैं, तो आज की क्लास को अच्छे से कंटिन्यू करना और बिल्कुल एंड तक करना. अब देखो सम का केस आ गया, चलो बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम. कह रहे सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी है, ठीक है. सम बी आर सी, सम सी आर डी, लीजिए सम सी आर डी. डायग्राम इस तरह से बनेगा, सारे स्टेटमेंट का एक ही डायग्राम बनेगा. अब आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन में आपके पास फोर कंक्लूजन है. ये चार कंक्लूजन मैंने आपको इसलिए दिए ताकि आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो पहले. अब फर्स्ट कह रहे हैं ऑल ए आर बी. अब देखो आप लोगों को तो ये पता है सम ए आर बी, क्या ए के इस बचे हुए पार्ट के बारे में खुद से कुछ एज्यूम कर सकते हो इस बचे हुए पार्ट के बारे में? ये बचा हुआ पार्ट नहीं. मैंने आपको बताया था कभी भी किसी बचे हुए पार्ट के बारे में हम खुद से एज्यूम नहीं कर सकते कि राइट होगा या रॉन्ग होगा. तो फर्स्ट हमसे कह रहे हैं ऑल ए आर बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कांट से रॉन्ग. बच्चे कांट से का मतलब रॉन्ग ही है. कहीं आप लोग कहो कि मैम आप तो कांट से लिखवा रहे हो, कांट से ऑप्शन में तो आता ही नहीं है. कांट से ऑप्शन में नहीं आएगा. ये जो कांट से है ये इंडिकेटर है पॉसिबिलिटी का. इससे क्या डिफरेंस होगा? इससे आप लोगों के पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल राइट होंगे. कैसे राइट होंगे? जब भी पॉसिबिलिटी आपके पास वर्ड लिखकर आए, आप क्या करना, पॉसिबिलिटी पे हाथ रख लेना, नॉर्मल चेक करना. अगर नॉर्मल आपके क्वेश्चन का आंसर आया राइट, लेकिन वहां पे लगी तो थी पॉसिबिलिटी, हमने तो हाथ रखा था, हाइड किया था. अब अगर वहां लगी हो पॉसिबिलिटी तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग. नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर अगर राइट है और उसकी पॉसिबिलिटी लग जाए तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग. अगर नॉर्मल चेक किया क्वेश्चन का आंसर है रॉन्ग, लेकिन वहां पर लग जाए पॉसिबिलिटी, तो आंसर क्या होगा बताओ आप लोग? राइट होगा या रॉन्ग होगा? जल्दी जल्दी से बताओ कि नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर अगर रॉन्ग आ गया और फिर वहां पे अप्लाई हो पॉसिबिलिटी, तो आंसर क्या होगा? देखो बच्चे क्या कहते हैं कि मैम इसका आंसर राइट होगा. गलत होगा इसका आंसर, रॉन्ग होगा. क्यों रॉन्ग होगा? एक चीज बताओ, मुझे पता है कि आप लोग बैंकिंग के एग्जाम के स्टूडेंट हो और बैंकिंग का ही एग्जाम दे रहे हो, बैंक के ही बैच अटेंड कर रहे हो. ये बैंकिंग की क्लास है हमारी, रीजनिंग की. अब मैं आपसे कह रही हूं कि आप लोग एसएससी की क्लास के स्टूडेंट हो, आप अभी स्टूडेंट हो 100% पता है बैंकिंग के बैच के. मैं कह रही हूं कि आप लोग एसएससी के एग्जाम के, एसएससी के बैच के स्टूडेंट हो, 100% रॉन्ग. अब जो चीज 100% रॉन्ग है, मैं कह रही हूं कि संभावना है कि आप एसएससी के बैच के स्टूडेंट हो. जो चीज हमें पहले ही पता है कि 100% रॉन्ग है, तो क्या कभी उसकी संभावना होगी? कभी भी नहीं होगी, इसलिए 100% रॉन्ग होगा. ये हो गया रॉन्ग. लेकिन अगर नॉर्मल आंसर आ जाए कांट से, आप कुछ कह नहीं सकते. कांट से का मतलब रॉन्ग ही है, साइड में छोटा सा रॉन्ग लिख लो. और वहां लग जाए पॉसिबिलिटी, तो आंसर क्या होगा? राइट. तो ये मैंने आपको जो रूल समझाया, ये रूल है पॉसिबिलिटी के लिए. मैं गारंटी ले रही हूं अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास पढ़ ली तो आप लोगों का सिलॉग्स का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा. ये याद रखना, अगर क्वेश्चन 100, क्वेश्चन का आंसर 100% राइट है, फिर वहां लग जाए पॉसिबिलिटी, तो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग. अगर हमारा क्वेश्चन नॉर्मल 100% रॉन्ग है तो लग जाए पॉसिबिलिटी, तो भी रॉन्ग. अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर कांट से है तो अगर लग जाए पॉसिबिलिटी, तो आंसर बिल्कुल राइट होगा. तो ये चीज याद रखना, कांट से के कंसेप्ट में ही आप लोगों का पॉसिबिलिटी राइट होगी. जहां भी कांट से का केस होगा वहां पॉसिबिलिटी राइट होगी और कहीं भी राइट नहीं होगी. आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा. आप क्वेश्चन की तरफ बढ़े. हमसे कह रहे हैं सम बी आर नॉट सी. चलो एक चीज और बता देती हूं मैं आप लोगों को, हमारी ये स्टेटमेंट सारी की सारी पॉजिटिव है. नेगेटिव कंक्लूजन आ जाए तो देखते ही गलत कर देना. अब अगर पॉसिबिलिटी दी होगी तो बाद में चेक करेंगे कि कांट से है या क्या है, ये राइट हो भी सकता है या नहीं. अभी हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्वेश्चन का आंसर देखते ही रॉन्ग. फिर कह रहे हैं ओल ए आर डी. अब देखो ए और डी का आपस में कोई लिंक है, कोई रिलेशन है क्या? आप लोगों इन इन दोनों के बारे में कुछ बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बता सकते. इसे हम कहेंगे कांट से, ब्रैकेट में कांट से, साथ में रॉन्ग. क्योंकि जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम ना तो कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं ना ही कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं. हमें नहीं पता ए और डी दोस्त है या दोस्त नहीं है. फिर कह रहे हैं सम बी आर सी. अब बताओ सम बी आर सी क्या होगा, राइट होगा या रॉन्ग होगा?
देखो, रीस्टेटमेंट ऑलवेज रॉन्ग, ये चीज हमेशा याद रखना। जो ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है सम बी आर सी, अगर कॉपी पेस्ट नीचे दे दे सम बी आर सी, तो रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होगी। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं मैम रीस्टेटमेंट सही होगी, बच्चे रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होगी, क्योंकि देखो जो स्टेटमेंट में ऊपर दिया हुआ है कंक्लूजन जो हमारे पास होता है, हम स्टेटमेंट के बेस पे रिजल्ट फाइंड करते हैं कि राइट है या रॉन्ग है। लेकिन जो चीज ऊपर स्टेटमेंट में दी हुई है वही कॉपी पेस्ट नीचे दे दिया, तो आप कैसे कंक्लूजन निकालोगे? राइट नहीं होगा आंसर, रॉन्ग होगा। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया था, इसमें से कोई भी राइट नहीं है। अभी हम आइदर और नाइदर केस नहीं देख रहे, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दो कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल राइट देंगे। हमारे पास कह रहे हैं सम बॉयज आर स्टूडेंट, लीजिए सम बॉयज आर स्टूडेंट, एस ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल, ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल। ये डायग्राम फर्स्ट कह रहे हैं सम बॉयज आर टॉल, बिल्कुल ठीक है सम बॉयज आर टॉल, ये रहा कॉमन पार्ट, फर्स्ट राइट हो गया। ऑल बॉयज आर टॉल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अब इस बचे हुए पार्ट के बारे में, इस बचे हुए बॉयज के बारे में आप लोग कुछ कह सकते हो? हमें तो ये पता है बॉयज, कुछ बॉयज टॉल है, क्या सभी के बारे में कुछ कह सकते हो सभी टॉल है? नहीं कह सकते। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? कांट से रॉन्ग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है वेरी गुड, जिनका रॉन्ग है परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, गलती करोगे तभी तो सीखोगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं सम एनवेलप, ई लिख लेते हैं, आर पैकेट्स, सम एनवेलप आर पैकेट, सम पैकेट आर बॉक्सेस, सम पैकेट आर बॉक्सेस, इतना सा पार्ट ले लेती हूं मैं, सम पैकेट आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर पार्सल, ये देखो ऑल बॉक्सेस आर पार्सल, पार्सल का पी आर से लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट कह रहे हैं सम कार्ड आर बॉक्सेस, अब बताओ क्या हमारे पास स्टेटमेंट में कार्ड है? नहीं है, तो आंसर देखते ही कांट से रॉन्ग, हम कुछ कह ही नहीं सकते। ऑल बॉक्सेस आर पार्सल, अब देखो ऑल बॉक्सेस आर पार्सल, फिर वही चीज हो गई कॉपी पेस्ट, रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट देखते ही गलत, दोनों क्वेश्चन के आंसर गलत आ गए। अब दोनों क्वेश्चन के आंसर अगर गलत आए तो अभी तो मैं आपको आइदर और नाइदर केस नहीं समझा रही, तो हम एक बार नाइदर ही मान लेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको आइदर और नाइदर समझा ही नहीं रही हूं, अभी नाइदर मान लो, आइदर का जब कंसेप्ट समझाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो। फिर देखो सम कार्ड्स आर प्लास्टिक, सम कार्ड्स आर प्लास्टिक, सम सी आर पी, सम प्लास्टिक आर मेटल, सम प्लास्टिक आर मेटल, ऑल मेटल आर पोर्ट्स, ऑल मेटल आर पोर्ट्स, पी ओ टी लिख लेते हैं पोर्ट्स। फर्स्ट कह रहे हैं सम पोर्ट्स आर कार्ड, देखो पोस्ट कहाँ है? ए यहां तक है। अब इसका रिलेशन और कार्ड का रिलेशन कुछ डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। क्या हम कुछ बता सकते हैं? हम कुछ बता ही नहीं सकते रिलेशन होगा या नहीं होगा, कांट से रॉन्ग, क्लियर। ऑल पोर्ट आर कार्ड, जब हम कुछ रिलेशन ही नहीं है, जब हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं सम के केस में, तो क्या ऑल के केस में कुछ बता सकते हो? दोनों गलत, नाइदर। इतना क्लियर, याद रखना है रीस्टेटमेंट ऑलवेज रॉन्ग, और अगर कभी किसी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट से डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो कांट से रॉन्ग। चलो नेक्स्ट कह रहे सम डेस्क आर टेंट, चलो सम डेस्क आर टेंट, ठीक है। सम टेंट आर रिवर, सम टेंट आर रिवर, ऑल रिवर आर पॉन्ड्स, पी लिख लेते हैं। फर्स्ट कह रहे सम पी आर टी, सम पी आर टी, अब आप बताओ फर्स्ट राइट है या रॉन्ग है? ये है सम पी आर टी, बिल्कुल राइट है, ये रहा सम का पार्ट, फर्स्ट राइट। ऑल पी आर डी, ऑल पी आर डी, देखो कोई डायरेक्ट रिलेशन है? क्या आप कुछ बता सकते हो? नहीं, तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? कांट से रॉन्ग, ऑप्शन आएगा हमारा फर्स्ट, इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, क्लियर। इतना बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ऑल कॉट ऑल सी आर
P. Some P are K. All K are R. ये लो, ये हमारा डायग्राम बन गया. फर्स्ट कह रहे हैं सम रेड्स आर कोट, सम आर आर सी. अब देखते हैं इनका रिलेशन. देखो क्या के का रिलेशन पी से है, बाहर वाले पार्ट से, किससे? के का रिलेशन पी से है. सी से कुछ कह सकते हो अंदर वाले पार्ट से? इन दोनों का रिलेशन कुछ कह सकते हो? नहीं. तो जब के बाहर, देखो के बाहर ये पूरा आर है, तो क्या आर का रिलेशन हमें सी से पता है? कंफर्म नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी सकता, लेकिन अभी तो नहीं पता. कांट से रॉन्ग. ठीक है. फिर है सम रेड्स आर पेन. सम रेड्स आर पेन, बिल्कुल ठीक है. आर का और पी का रिलेशन ये रहा सम का. क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ओनली सेकंड फॉलो. जिस बच्चे का आंसर ओनली सेकंड फॉलो है, वेरी गुड. क्लियर हुआ? अगर देखो कभी भी एक चीज, चलो मैं समझा ही देती हूँ यहाँ पे आपको. अगर मैं आपसे कह दूं सम ए आर बी, सॉरी ओल ए आर बी और सम बी आर सी. देखो सी का रिलेशन बाहर वाले पार्ट से है, क्या अंदर वाले पार्ट से कुछ कह सकते हो? कांट से रॉन्ग. बट अगर मैं यहां पे ये चेंज कर दूं ओल ए आर बी और मैं कह दूं सम ए आर सी, सम ए आर सी, तो सी का रिलेशन जब अंदर वाले पार्ट ए से हो गया तो बी से तो अपने आप ही होगा. तो ये चीज याद रखना, अगर कभी भी अंदर वाले पार्ट से, किसी अंदर वाले एलिमेंट से हमारा रिलेशन किसी दूसरे एलिमेंट का है, तो बाहर वाले से कन्फर्म है होगा. लेकिन अगर बाहर वाले एलिमेंट से रिलेशन दिया हुआ है और अंदर वाले से पूछ ले तो कांट से रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे सम फॉरेस्ट, सम एफ आर एच, सम एच आर डब्ल्यू, ओल डब्ल्यू आर एन, ओल डब्ल्यू आर एन. फर्स्ट कह रहे हैं सम एन आर एफ. अब देखो एन और एफ के बीच में कोई रिलेशन है, कुछ कह सकते हो? कांट से रॉन्ग. सम एन आर एच, सम एन आर एच, नेटर हर्ट्स, बिल्कुल ठीक है. सम नेट आर हर्ट, राइट. ओनली सेकेंड फॉलो. क्लियर? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए. देखो ओल का केस आ गया फिर से. ओल का केस पहले भी समझाया था मैंने. ओल टेबल आर विंडो, ओल विंडो आर रूम, ओल रूम आर बसेस. फर्स्ट कह रहे सम बसेस आर टेबल. अब बसेस है यहां, टेबल है अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो. मैंने क्या कहा था? सम राइट होगा लेकिन ओल कांट से होगा. अभी सम पूछे सम बसेस आर टेबल, बिल्कुल सही है. बसेस का कुछ पार्ट टेबल है ये दिया हुआ. फिर कह रहे ओल रूम आर टेबल, ओल रूम आर टेबल. अब देखो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, ओल का केस क्या होगा? फर्स्ट वाला तो हमारा था राइट, फर्स्ट है राइट. सम बसेस आर टेबल, बिल्कुल राइट. सेकंड कह रहे ओल रूम्स आर टेबल, ओल रूम्स आर टेबल, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा. क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा If only conclusion first follow. इतना क्लियर? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए. तो क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर है If only conclusion first follow. चलिए हमारे पास 10th में क्या कहा. Some trees are boxes, all boxes are brick. तो B R लिखना पड़ेगा. All boxes are bricks, all bricks are dog. तो ये सारा ओल में जाएगा, इधर वाला पूरा. ऑल ब्रिक्स आर डॉग्स, ठीक है. फर्स्ट कह रहे सम डॉग आर ट्री, सम डॉग आर ट्री. आप बताओ राइट है या रोंग है? सम डॉग्स आर ट्री, बिल्कुल राइट है. ये रहा कॉमन पार्ट सबका, ये कॉमन पार्ट. सम ब्रिक्स आर ट्री, सम ब्रिक्स आर ट्री, बिल्कुल राइट, वेरी गुड. जिसका भी आंसर राइट है बोथ फॉलो, दोनों राइट है हमारे. सम ब्रिक्स आर ट्रीज भी राइट है. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑल गॉड्स आर फ्लावर, ऑल गॉड्स आर फ्लावर, नो फ्लावर इज ब्रांच. बी लिख देते हैं ऑल, नो एफ इज बी. एफ का कोई भी रिलेशन बी से नहीं है. सम बी आर आर, सम ब्रांचेस आर रूट्स. क्लियर? ये डायग्राम बन गया.
डायग्राम में तो शायद आप लोगों को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि डायग्राम बनाना तो आसान है. डायग्राम के बाद जब हम कंक्लूजन को देखते हैं तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा. देखो, सम रूट्स आर गोट. अब आर यहाँ है, जी वहां है, कुछ कह सकते हो? कांट से रॉन्ग. नो रूट इज गोट. देखो, हम नो रूट इज गोट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. कांट से रॉन्ग. हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं. अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आइदर नाइदर नहीं देखना, मैंने खुद बोला है, क्योंकि आइदर नाइदर के कुछ रूल्स हैं. अभी मैंने आपको रूल्स नहीं समझाए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट में समझाऊंगी. वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा. मैंने भी समझाया नहीं है तो आप बताओ आइदर है या नाइदर होगा. अभी इस क्वेश्चन का आंसर आइदर है. कब और कैसे आइदर यूज होगा ये मैं आपको पूरा आइदर और नाइदर केस का कंसेप्ट समझाऊंगी, जैसे मैंने आपको इनइक्वालिटी का समझाया था. ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आप ये मान लो कि दोनों क्वेश्चन के आंसर गलत हैं. ऑल पॉट्स आर रिंग. ठीक है, ऑल बैंगल आर रिंग. ऑल बैंगल्स आर रिंग तो बी अंदर लिखना होगा. ऑल रिंग आर पेंट्स. ये लो, ऑल आर पी पी ए कर लेते हैं. पी ए आई कर लिया मैंने. फर्स्ट कह रहे सम पेंट्स आर रिंग. सम पेंट्स आर रिंग, आप बताओ राइट है या रोंग है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर राइट. ऑल बैंगल्स आर पेंट्स, अब बताओ ऑल बैंगल्स आर पेंट. ये है पेंट. ऑल बैंगल्स आर पेंट राइट है या रोंग है, चलो फटाफट से बता दो क्या होगा. राइट है, क्योंकि जब बैंगल्स पूरा का पूरा रिंग के अंदर है, रिंग पूरा का पूरा पेंट्स के अंदर है, तो क्वेश्चन का आंसर तो अपने आप राइट हो जाएगा, बोथ फॉलो हो जाएगा. अभी तक मैंने आपको जितना समझाया इतना आपको क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, अगर इतने में कहीं भी डाउट हो तो अपने डाउट को नोट कर लेना. अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर मेरा नेम सर्च करना, हीना शर्मा 18, वहां पर आपको मेरी पिक मिल जाएगी येलो कलर में, और वहां पर जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. वहां मैसेज कर सकते हो, मैसेज कर देना कि मैम ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे एक्सप्लेन कर दो, मैं आपको यहाँ पर क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी. तो आज की क्लास आपको समझ आई होगी. आज की क्लास को अच्छे से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू. चलिए, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो लाइक माई वीडियो, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन. आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप इस बेल पर नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, प्रेस करने के बाद जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके पास खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, सब्सक्राइब अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट. स्टूडेंट्स, मेरा कोड को यूज करना मत भूलना एडमिशन के लिए, HS लाइव. आज की क्लास को कॉन्टिन्यू करने के लिए, आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू क्लास. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिलॉग्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, पॉसिबिलिटी और आइदर केस के साथ. थैंक यू ऑल ऑफ यू.